Assalamualaikum, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं बट्जीज किचन। और आज बट्जीज किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही रिवायती सा एक स्नैक जो ज्यादातर हलवाइयों के पास पाया जाता है, और मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा फर्द होगा जिसको ये स्नैक पसंद नहीं है। मैं बात कर रही हूँ नमक पारों की। इसको आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही कम वक्त में बहुत ही जबरदस्त से क्रिस्पी से नमक पारे तैयार हो जाते हैं। तो हम आपको बनाना सिखाएंगे, लेकिन जब बट्जीज किचन में कोई चीज़ बनती है तो थोड़ा सा रिवायत से हट के वहाँ पे काम जरूर किया जाता है। तो हम उसमें थोड़ा सा टच देंगे चिलीज का। दो तरह से, एक हम इस्तेमाल करेंगे सब्ज मिर्च को और एक हम इस्तेमाल करेंगे चिली फ्लेक्स को। और ये दोनों फ्लेवर जब आप नमक पारों में शामिल करेंगे तो यकीनन आपको एक बहुत ही डिफरेंट जो है टेस्ट महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिफरेंट सी रेसिपी को, रिवाइव लेकिन थोड़े से मुनफरद अंदाज में बट्जीज किचन में। तो इंग्रेडिएंट नोट कीजिए। नमक पारों के लिए हमें तकरीबन एक कप मैदा चाहिए, ऑल पर्पस फ्लोर। इसके साथ हमें चाहिए तकरीबन एक चाय का चम्मच ज़ीरा सफ़ेद, तकरीबन एक चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, तकरीबन दो चम्मच ऑयल, आधी चाय का चम्मच नमक, थोड़ी सी हरी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको हम दो फ्लेवर्स में डिवाइड करेंगे, एक में ग्रीन चिली इस्तेमाल करेंगे और एक में रेड चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सिंपल सी रेसिपी। तो अज्जा आपने नोट कर ली है, अब हम इस पे प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो ग्रीन चिलीज हैं और जो रेड चिली फ्लेक्स हैं, इनको हम आटे में अलग अलग से इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये आप जब प्रोसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि बगैर मजीद बताया कि हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले हम इसके लिए गूंदेंगे आटा। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे, अब इसे गूंद लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो को हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, ऑयल भी शामिल कर लें इसमें। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा अच्छे से इसमें शामिल हो चुका, और आप देख सकते हैं कि ये आटा हमारा बहुत ज़्यादा नरम नहीं है और बहुत सख्त भी नहीं है जिसको आप मोल्ड ना कर सकें, लेकिन ये इतना नरम नहीं है। ये तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से में हम शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और दूसरे में हम शामिल करेंगे ग्रीन चिली। फ्लेम में हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, सिर्फ ग्रीजिंग के लिए चाहिए। इस पर रखेंगे हम ये आटा और इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। इसको बिल्कुल सेंटर से हम इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक में शामिल करेंगे ग्रीन चिलीज, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। मैंने हाफ टी स्पून के करीब ग्रीन चिलीज इस्तेमाल की हैं और हाफ टी स्पून के करीब ये रेड चिली फ्लेक्स हैं। अब इनको हम आपस में अच्छे से मिला लेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, हल्का सा स्पाइसी सा। ये आम रूटीन के जो आपको नमक पारे मिलते हैं उनसे थोड़ा सा हट के हैं और डेफिनेटली एक अच्छा फ्लेवर देते हैं। अच्छे से गूंद के इस 20 से 25 मिनट तक के लिए रेस्ट देंगे। इसी तरह से हम ग्रीन चिलीज को भी इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपके हाथों को कोई एलर्जी है तो आप हैंड ग्लव यूज़ कर लीजिए, वरना चिलीज जो हैं वो आपके हाथों को इफ़ेक्ट करेंगी। अगर इनको कलर देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चों के साथ धनिया भी क्रश करके डाल लेते हैं तो उससे इसका कलर भी थोड़ा सा ग्रीनिश होगा, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में चूल्हे पे चढ़ा चुकी हूँ, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम रोटी तैयार करेंगे और उसको नमक पारों की शेप देंगे। आटा जो है बहुत अच्छे से इसको रेस्ट मिल चुका, और आप देख सकते हैं कि इसकी लुक बहुत ही फाइन हो चुकी है। तो अब हम इसको बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे और बहुत पतला भी नहीं करेंगे। एक नॉर्मल सी जैसे रोटी हम रूटीन में बनाते हैं उसी साइज़ में हम इसको बेलेंगे। अब ये रेडी हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले आप इसे स्ट्रेट कट लगाएंगे, जिस साइज के आपको नमक पारे बनाने हैं उसी साइज का आप कट लगाएंगे। इनकी चौड़ाई आप ना तो बहुत ज्यादा रखें और ना ही बहुत बारीक, तकरीबन आधी इंच का साइज है जो मैं कट कर रही हूँ। अब हम दूसरी साइड से कटिंग करेंगे। दूसरी साइड से कटिंग करने के लिए हम तिरछा रखेंगे इसको, जिस तरह से नमक पारों की शेप होती है उस तरह से तिरछा रखेंगे। नमक पारा जिस साइज का आपने बनाना है उसी साइज की आप इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। छोटे साइज के बनाना चाहें तो छोटे कट कर लें, बड़े साइज के बनाना चाहें तो बड़े कट कर लें। ये हो चुके रेडी। अब हम लेंगे एक प्लेट और ये तमाम स्ट्रिप्स उस प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा स्ट्रिप इसमें ऐड किया और वो ऊपर आ चुका है। दैट्स मीन्स कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका। अब हम एक एक करके इसमें तमाम स्ट्रिप्स ऐड करते जाएंगे। आंच बहुत तेज नहीं रखेंगे हम। जब तक हमारे ग्रीन चिलीज के नमक पारे तैयार हो रहे हैं, हम इसे भी बेल लेते हैं। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन 5 मिनट्स से भी कम टाइम में ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको डाल रहे हैं प्लेट में। इसी तरह से रेड चिलीज के साथ जो डो हमने तैयार की थी, हम उसको भी रोटी बनाएंगे उसकी, और उसके बाद हम उसको भी कट करेंगे और फिर उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो ये दो डिफरेंट फ्लेवर्स, आप इसको एंजॉय कीजिए। ग्रीन चिली फ्लेवर के नमक पारे फ्राई हो चुके, रेड चिली फ्लेक्स से रोटी में पहले ही तैयार कर चुकी हूँ। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जिस तरह से हमने ग्रीन चिलीज के लिए रोटी तैयार की थी और जिस तरह से उसकी कटिंग की थी, बिल्कुल उसी तरह से हम इस रोटी को भी बेलेंगे और उसी तरह से उसकी कटिंग करेंगे। सेम प्रोसेस है जिसे हम दोहराएंगे। इनको आप एक दफा पलटा जरूर लीजिएगा ताकि दोनों साइडें हम रंग हो जाएं। ये हो चुके दोनों साइड से, अब हम इनको निकाल लेंगे। जी तो ये थी आज की रेसिपी, बर्जिस किचन की स्पेशल रेसिपी है, इसको आपने जरूर ट्राई करना है। इसमें दोनों फ्लेवर्स जो है मिर्चों के आपको बहुत ही जबरदस्त महसूस होते हैं। जब आप बाजार से चिप्स का एक पैकेट खरीदते हैं जिसमें बहुत सारी हवा होती है, उसमें भी आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं। चिलीज का फ्लेवर है, उसके अलावा आपको बटर का, पनीर का मुख्तलिफ फ्लेवर्स मिलते हैं। तो फिर क्यों ना इन तमाम फ्लेवर्स को हम अपने घर में बनने वाली चीज़ों के साथ इमर्ज करें और एक नया जायका जो है वो इनोवेट करें। तो इस जायके को आप ज़रूर बनाइए अपने किचन में और इन्जॉय कीजिए एक नया फ्लेवर, बल्कि दो नए फ्लेवर्स अपने नमक पारों में, जो यकीनन आपको बेहद पसंद आएंगे। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, इन्जॉय कीजिए हेल्दी लाइफ। और दुआ में याद रखिए, इसके साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है वो मैं बहुत दिलचस्पी से देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, और बहुत से लोगों की मुझे राय भी मिली है। और यकीनन मैं उस पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अमल करने की कोशिश भी करूँगी कि उसको हम इम्प्रूव भी करें, और जो रेसिपीज मुझसे चंद एक लोगों ने कहा कि मैं उनको अपने किचन में बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। इसके साथ साथ आप लोगों की जो फीडबैक है वो बूस्ट करती है और ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम करने का हौसला देती है, और नए आइडियाज़ के साथ काम करने का जो है वो ज़्यादा एक शौक है वो डेवलप होता है। तो कमेंट जरूर कीजिए और ये जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से बर्जिस किचन को देख रहे हैं और इसकी रेसिपीज अपने किचन में बना रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, बहुत सी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।